नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बीच में कुछ अपडेट्स को लेकर, जो कि रिसेंटली इंडिया से अपडेट आ रही है। हम उन अपडेट्स पे बात करेंगे कि आखिरकार मार्केट के बीच में क्या ओपिनियन आ सकता है और गवर्नमेंट के क्या क्या यहाँ पर अपडेट्स हैं इस समय करंटली क्रिप्टो मार्केट को लेकर, और पॉइंट ऑफ व्यू जो है गवर्नमेंट का क्या रहेगा, हर एक चीज़ को लेकर हम डिटेल वाइज बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जो है नहीं करे तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कॉल्स आती है, अपडेट्स आते हैं, हिंट आते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट्स लेके जो कि मुझे आपको शेयर करनी बताना है, मैं बहुत पहले टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, जिसको यूज करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग बना सकते हैं, तो मस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 3 प्रोवाइड कर दिए, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, आप में से सभी यूजर को पता है कि हमारे इंडिया के बीच में जो G20 की मीटिंग है वो 9 और 10 सितंबर को होने वाली है। अगर आप देखोगे तो इस समय जो अदर कंट्री के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे जो G20 के बीच में सम्मिलित होने वाले हैं, जैसे कि जॉय बाइडन हो गया, या फिर और बहुत से लोग हैं जो कि ऑलरेडी अदर कंट्री से आए हैं, जिनको ऑलरेडी कल रिसीव कर लिया गया है। अब अगर आप देखोगे तो इस समय 13 घंटे पहले एक अपडेट आई थी, जो कि बेसिकली NDTV की वेबसाइट में भी पोस्ट करा गया। इसके बीच में क्रिप्टो को रेगुलेशन को भी एक बहुत बड़ी महत्ता दी गई है, यानी कि इस जो अपडेट है इसके बीच में जो भी अपडेट आने वाला है क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर, वो भी चर्चा इस बार ही हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे G20 की जो अध्यक्षता है वो हमारे पास है, यानी कि इंडिया के पास है, और यहाँ पे अब जो है इस अध्यक्षता के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट अगर कोई बड़ा एक्शन लेती है या फिर कुछ नया नियम लाती है, तो ये नियम जो है हमेशा के लिए कैसे तो परंपरा के बीच में आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पहल हो जाएगी। तो इंडिया भी चाहता है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट एक ऐसा ऑप्शन उठाया जाए जिससे कि हम यहाँ पे चर्चा में रहे कि हमने इस G20 में ये वाला बिल पास करा था, और इसमें फुल महत्ता जो ज़्यादातर रहेगी वो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। तो अगर आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो जाकर आप NDTV की वेबसाइट पर भी जाकर इसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, यहाँ पे पूरा आर्टिकल आपको मिल जाएगा जो कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस आर्टिकल के बीच में अभी डेट में जो बात चल रही है लीडरशिप को लेकर, जिसके बीच में जो भी अदर कंट्री के लोग हैं वो तो आ ही रहे हैं, और यहाँ पे मेन चीज है कि आपके IMF हो गए या फिर इसके साथ में जो और क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के बीच में जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी वो लोग भी इसमें यहां पे पहुंचेंगे। अगर आप देखोगे तो इस समय चेक कर सकते हैं क्रिप्टो एसेट जो है इंटरनेट पे ऑपरेट होता है, और इसको फुल यहां पे सेंट्रल बैंक जो है या फिर कोई जितनी दूसरी गवर्नमेंट है या फिर जो भी अथॉरिटी है वो यहां पे एक्सेप्ट करने को लेकर कुछ लोग पॉजिटिव और कुछ लोग नेगेटिव थे। तो इसको लेकर जो सीन था कि भाई NFT को लेकर क्या सीन है या फिर हर एक चीज को लेकर क्या सीन है, तो इस पर जो अपडेट रहेगी प्रतिक्रिया रहेगी वो आपको जल्द यहां पे देखने मिल जाएगी। जैसे आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस समय मोस्टली वेबसाइट पे ये आर्टिकल्स आपको देखने मिल जाएंगे, और ज्यादातर तो यहां पे कुछ वेबसाइट ने ये भी आर्टिकल्स के बीच में मेंशन करके रखा हुआ है कि G20 का जो मुख्य इस समय इसको लाने का रीजन है वो यही है कि यहां पे क्रिप्टो रेगुलेशन पे ज्यादातर बात करी जाएगी, जो कि NDTV भी खुद यहां पे इस चीज को लेकर पोस्ट कर रहा है। इसके साथ में अगर आप देखोगे तो और बहुत सी जगह पे आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे, इवन न्यूज चैनल पर भी आपको देखने मिल जाएगा जहां से आप इस चीज को अच्छे से रीड कर सकते हैं, जिसमें साफ साफ आपको देखने मिलता है कि इस समय बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे ज़्यादातर इस चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि यहाँ पे 9 तारीख यानी कि जो आज है, आज क्या चर्चा होती है, क्या अपडेट आती है। अगर कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं ऑन द स्पॉट आपको अपडेट कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि G20 के बीच में आखिरकार चर्चा क्या हुई और क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया, और क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर क्या यहाँ पे अदर कंट्री कहती है, इवन हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है। क्योंकि अब जब यहाँ पे गवर्नमेंट से पूछा जाता था कि आप क्रिप्टो पे क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या चाहते हैं क्रिप्टो को किस तरह से यहाँ पे रेगुलेशन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो इस पर हमारी गवर्नमेंट हमेशा कहती थी कि हम यहाँ पे अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे अदर कंट्री की भी यहाँ पे सहायता लेनी पड़ी होगी, सब मिलकर यहाँ पे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो क्रिप्टो है ये किसी ऑफलाइन सेक्शन से नहीं है, या कहीं कोई एक घर में नहीं चल रहा है जिसको हम जाके बैन कर दें वो बंद हो जाए, ये इंटरनेट पे चीज़ है और इंटरनेट को हम जल्दी बैन नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे हमें सबको मिलकर यहाँ पे चर्चा करनी होगी, और इस पर क्या बड़ा अपडेट है वो लाना पड़ेगा कि इसको बैन करना है तो बैन करने के बारे में बात करनी होगी, और अगर रेगुलेट करना है तो रेगुलेट करने को लेकर बात करनी होगी। इस पर यहाँ पे ज़्यादातर बातें आती है, बट अगर आप देखोगे तो कुछ सोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे ये कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का विचार इस समय किसी के मन में नहीं है, ना कोई हमारी इंडियन गवर्नमेंट के, ना ही फिलहाल कुछ अदर कंट्री में। उनमें से अगर जहां तक बात रही चर्चा का विषय, ये ज्यादातर है कि अदर कंट्री अब क्रिप्टो का अगर बैन नहीं करना चाहते तो इसका रेगुलेशन का क्या उनका ओपिनियन है, वो क्या चाहते हैं कि कौन से यहां पे नियम इस पे लगाने चाहिए, जिस नियम से कहीं ना कहीं जो स्कैम है या फिर जो गलत एक्टिविटी है, कि इवन अगर कोई देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी पे कोई रेगुलेशन ना होने की वजह से कोई बंदा भी यहां पे इसको ऑपरेट कर लेता है, एक नया कॉइन बना देता है, कॉइन बनाने के बाद उसको लिस्ट कर देता है और उससे पैसा स्कैम कर लूट कर पैसा भाग जाता है, और उसके बाद यहां पे उसको कोई ट्रैक नहीं कर पा रहा है। क्योंकि रीजन है कि इस समय यहां पे
कोई ज़्यादातर वैसी एक्टिविटी नहीं है, कोई ज़्यादातर नियम नहीं है जिस वजह से उनको ज़्यादातर पकड़ा जाए। फिलहाल यहाँ पे इस चीज़ को लेकर जो है अच्छे से रिसर्च की जा रही है, इवन यहाँ पे जल्दी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगा, बाकी पूरा आर्टिकल्स आपको मिल जाएगा। इसमें दोस्तों यहाँ पे खास बात ये भी है कि ये जो आपका G20 का सम्मेलन होने वाला है, अगर क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पे रेगुलेशन का बिल डिस्कशन होगा तो इसके बीच में FTX की भी डेफिनेटली चर्चा होगी। FTX लूना, जिन्होंने यहाँ पे मार्केट की कहीं ना कहीं फुल यहाँ पे जो वाट लगा रखी थी, आपको याद है कि जहाँ से मार्केट टूटा है वो दोनों कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा टूटा है, तो लूना की वजह से और यहाँ पे आपका FTX की वजह से, इन दोनों पे ज़्यादातर चर्चा की जाएगी। और यहीं से मेन चीज़ देखने को मिलेगी कि आखिरकार गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है और वो क्या यहाँ पे चाहते हैं, किस तरह से इस चीज़ को मार्केट में लागू करना चाहते हैं, या फिर उनका क्या फ्रेमवर्क रहेगा क्रिप्टो एसेट को लेकर, किस तरह से उनकी मन में ओपिनियन चल रही है कि वो क्या यहाँ पे चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में क्या है किसी को नहीं पता कि वो लोग क्रिप्टो पे टैक्स रिड्यूस करने बारे में सोच रहे हैं या फिर क्रिप्टो टैक्स को लेकर क्या उनके मन में सीन है, ये भी सारा कुछ आपको पता चलेगा। क्योंकि अभी तक तो फ्लैट 30% टैक्स आप पे लगाया गया है जो कि आपको भरना ही पड़ेगा, ऑलरेडी भर भी दिया सब लोगों ने, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या ओपिनियन है गवर्नमेंट का, शायद यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखने मिले, तो देखते हैं क्या सीन निकल के आता है। लगभग 9 और 10 तारीख का टाइम है, यानी 2 दिन का टाइम रहेगा, 2 दिन के बीच में मीटिंग चलने वाली है, 2 दिन के बीच में कब क्रिप्टो पे डिस्कशन होता है, कब यहाँ पे क्या फाइनलाइज होता है, ये जो चीज निकल के आएगी ऑथेंटिक अपडेट हमेशा की तरह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक नहीं करा था वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम पे जो नहीं करे तो वहां पे मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट्स आएगी ऑथेंटिक अपडेट्स आएगी तो मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसको यूज करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और एक अच्छी अर्निंग बना सकते हैं, तो मस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।